साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आज के स्पेशल गेस्ट कपिल जी और ममता जी का, इसके साथ साथ मेरे सभी अपलायन विजय जी, राकेश जी, साथ ही साथ सुनील जी का, और उससे भी बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे से इस परिवार का। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। देखिए, तालियां जोरदार इसलिए बजाना क्योंकि आपके लिए बज रही है, मेरे लिए नहीं बज रही है। तो एक बार जोरदार तालियां, वाकई में दिल से। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और आज से करीब करीब 3.25 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और मोदी केयर क्यों किया था ये मैं आपको आज जरूर बताऊंगा। मोदी केयर से पहले 20 साल मैंने एजुकेशन सिस्टम को दिए, यानी पढ़ाई की, और उसके बाद 12 साल मैंने प्राइवेट जॉब की। और 12 साल प्राइवेट जॉब को करने के बाद मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि अगर यही काम अगले 12 साल करूँगा तो इसका नतीजा क्या होने वाला है। देखिए, हर वो काम जो हम लगातार निरंतर करते हैं, हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। अगर आपको यहाँ से भिंड जाना है, करीब करीब 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हम गोहद जाके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक घंटे में अगर 40 किलोमीटर तय करेंगे तो अगले एक घंटे में भिंड पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही अंदाज़ा इन 12 साल में लग चुका था। और साथ ही साथ एक आपको सच्चाई बताऊँ, हमारे जीवन में महंगाई और जिम्मेदारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है ना, उस रफ्तार से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, सोच रहा था कि इस जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, और जब हम सोचने लग जाते हैं ना तो ऊपर वाला भी हमारे साथ देना चालू कर देता है। और वैसे ही मेरे जीवन में ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दो देवदूत, यानी विजय जी और राकेश जी के माध्यम से ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। एक बार राकेश जी और विजय जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो मैं तो आज यहाँ होता ही नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों, जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो प्रोडक्ट यूज़ किए थे, प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, तब तक कोई समस्या नहीं थी। देखिए, घर में रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, घर से बाहर जाएंगे तो क्या होता है, समस्याएं आना स्टार्ट होती हैं। जब इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया तो पहली समस्या आ गई लॉकडाउन। इससे बड़ी समस्या मैं मानता हूं जीवन में कभी आई नहीं थी। फिर लॉकडाउन में इस बिजनेस को मैं फील्ड के तौर पे आगे नहीं बढ़ा पाया। अगला लॉकडाउन और बुरा था, तो अगले लॉकडाउन में फिर से काम नहीं कर पाए। लेकिन अच्छा क्या हुआ, हर बुराई में एक अच्छाई होती है। इन 1.5 सालों में मैंने इस बिजनेस को सीख लिया। आज जब मैं फील्ड में जाता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, मेरी टीम में लोग आते तो बहुत रफ्तार से हैं, लेकिन जाते भी उतनी रफ्तार से हैं। जब मैं ये समस्या लेके राकेश जी के पास गया, मैंने बोला, सर ऐसा हो क्यों रहा है? उनने बोला, सर जो आपने 1.5 साल इस बिजनेस को दिया ना, सीखा है ना, यही वो ताकत है। मैं समझ गया, ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस तेल साबुन बेचने का है ही नहीं, ये बिजनेस है एजुकेशन का, ये बिजनेस है शिक्षा का। यानी एजुकेशन देना है, एजुकेशन लेना है। और यही काम मैं पिछले 3.25 साल से कर रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर काम किया, जिनको मैं आज बोल के नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोग मंच पे आएंगे और ये प्रूफ बताएंगे कि हाँ, हम एजुकेशन देने के साथ साथ एजुकेशन देते भी हैं और इस मंच से पैसा भी कमाते हैं। दोस्तों, सही बताऊँ ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत कुछ देती है, और बहुत कुछ मैं बात बताऊँ तो ये देती है केवल एक शानदार मंच। मैंने कई लोगों को देखा है, लोग कहते हैं, साहब टैलेंट तो बहुत है लेकिन कभी दिखाने का मौका नहीं मिला। मैं आपको आज कुछ उदाहरण ऐसे बताऊँगा, मैं उदाहरण आपको उन लोगों के नहीं बताऊंगा जो सफल हो चुके हैं। मैं आज आपको अमिताभ बच्चन साहब का उदाहरण नहीं बताऊंगा, योगन जी बचा चुके हैं। कपिल जी का उदाहरण नहीं दूंगा, कपिल जी सफल हो चुके हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो आप ही के बीच से निकलकर सफल होते जा रहे हैं। अभी आपने धर्मेंद्र जी की आवाज़ सुनी, कितनी अच्छी आवाज़ है, किस किस को अच्छी लगती है? सभी को अच्छी लगी। ये आवाज़ मोदी कर से पहले भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, धर्मेंद्र जी सुरीली आवाज़ में पहले भी गाते थे, लेकिन आज इस मंच की ताकत देखिए। पहले धोबिंद जी को केवल डबरा और ग्वालियर के लोग जानते हैं, आज धर्मेंद्र जी को पूरे इंडिया के लोग जानने लग गए। बहुत सारे लोग इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं। ये ताकत धर्मेंद्र जी के टैलेंट की नहीं है, ये ताकत है इस मंच की। दोस्तों, एक और उदाहरण बताता हूँ। अभी आप हमारे शानदार होस्ट योगन जी से मिले, क्या ये आवाज़ मोदी कर में आकी हुई? नहीं दोस्तों, ये आवाज़ पहले से थी, लेकिन आज बहुत सारे लोग बाहर सुनता हूँ जो मुझसे लोग बोलते हैं, सर योगन जी को एक बार बुला दो, मुर्दे में जान आ जाती है। एक बार बुला दो, मुर्दा जाग के बोलता है राम 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 राम। ये ताकत है ये मंच की। आज योगन जी को ग्वालियर ही नहीं, आज पूरे इंडिया में जगह जगह से लोग कहते हैं, सर एक बार आपकी आवाज़ मिल जाए, केवल एक बार। और 6 तारीख को देखना, दिल्ली जा रहे हैं योगन जी, अगर आपको उनको सुनना है तो दिल्ली जा सकते हैं, एक शानदार ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हमारे पास जेंट्स नहीं है, हमारे पास लेडीज़ भी हैं। अभी आपने देखा डेमो का कितना अच्छा शानदार प्रेजेंटेशन दिया किरण जी ने और शोभा जी ने। अगर मैं किरण जी की बात करूं तो जहां तक है 25 साल से हाउसवाइफ हैं, कभी जॉब नहीं किया, कभी बिजनेस नहीं किया, कभी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन टैलेंट तो था, स्किल तो थी। लेकिन आज 10 महीने पहले इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया और आज सीनियर डायरेक्टर बन के आ चुकी है इस मंच पे। दोस्तों, ये ताकत है ये मंच की।
अब इस मंच पे आने के लिए आपको करना क्या है? कौन कौन आना चाहता है इस मंच पे? एक बार हैंड रेस कर दो। इस मंच पे आपको आने के लिए केवल एक काम करना है, जिसने भी आज आपको यहाँ बुलाया है एक बार उसके साथ जरूर बैठना, क्योंकि यही वो मंच है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, केवल यही मंच। और मैं आपको बता दूँ, जो आदमी आपके लिए ना वो बहुत खास है, आज उस खास व्यक्ति के लिए एक भजन की एक लाइन आती है, अगर योगन जी इजाजत दे तो गाऊँ। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है धर्मेंद्र जी की तरह, लेकिन भावनाएं बहुत अच्छी हैं, चलिए सुनाता हूँ। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके, दोस्तों 3 साल पहले ये व्यक्ति आए थे मेरी लाइफ में, मैं तो इसे ईश्वर मानता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मंच, आज इतना बड़ा परिवार, आज 7,000 लोगों का परिवार वास्तव में इनकी देन है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आप लोगों के लिए एक बोलूंगा, जो भी व्यक्ति आपको मोदी घर में लेके आया है उसको एक बार उसके पास जरूर बैठना, दिल से समझना, क्योंकि इतना बड़ा मंच शायद ही है दुनिया में आपको बाहर मिले। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच।